बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। आज के दिन की बात करें तो रिलायंस पावर में 5% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली, एलसी देखने के लिए मिला है रिलायंस पावर में। लगातार अब ट्रेंड के गिरावट में था और लास्ट ट्रेडिंग डे में हमने इस लेवल को यानी 48, 40, 48, 50 के लेवल को जहां पहले रिजेक्शन फेस किया था सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था और देख सकते हैं उसी सपोर्ट पर स्टॉक में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली। लेकिन रिलायंस पावर दे चुका है गिरावट का सिग्नल और मार्केट भी ऑलरेडी गिरावट में, जिसके चलते यहाँ से और गिरावट रिलायंस पावर हमको दिखा सकता है। अब नीचे की ओर जो मेजर सपोर्ट करने वाला है, हम तगड़े सपोर्ट की बात करते, देख सकते हैं रिजेक्शन फेस किया था, अगेन सपोर्ट लिया था 44 का लेवल, यहाँ तक का फॉर रिलायंस पावर दिखा सकता है। इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा और इसी सपोर्ट पर हमको नज़र रख कर चलना है। अगर इस सपोर्ट से बाउंस बैक करता है और 50 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर रिलायंस पावर अप ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन 44 का सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन कर गया तो हमको इसमें 38 से लेके 40 तक का भी फॉल दिखा सकता है, 40 से लेके 38 तक की भी फिर रिलायंस पावर गिरावट दिखा सकता है। तो यहाँ आप पहले हमको नज़र बनाए रखनी है, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिरावट का सिग्नल दे चुका है और मार्केट भी गिरावट ही दिखा रहा है, तो यहाँ इंतज़ार करके चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।